ऑलमोस्ट सब कुछ पैक कर दिया है। अब ये देखो, ये पड़ा सामान, ये पड़े हमारे विवेक भाई, काफ़ी सामान ऑलरेडी पहुंच चुका है नीचे सफारी में, बाकी बचा हुआ पैक करते हैं। कितना ये रह गया ना, और कुछ ही क्या, चीनी है, ठीक है, खाली है ना, तो बाय बाय, चलो आराम करो, चलो आ जाओ। तो एक बार फिर से जर्नी स्टार्ट हो गई लद्दाख। इस बार हमारे साथ धीरज है, जो कैसा लग रहा है लद्दाख? साले एक नंबर के अलावा कुछ और भी बोलोगे, ब्रह्मताल में भी तुम्हारा एक नंबर है। तो इस बार देखो यार, सामान काफ़ी ज़्यादा है और रेन कवर वगैरह भी हमने ले लिए, बस ये आखिरी कुछ चीज़ें, विवेक भाई भी आ रहे हैं बाकी चीज़ें लेके, नीचे चलते हैं सारा पैक करते हैं। फुल करना भी ऑटो कट पे 96 So hello people, welcome back. My name is Anirudh, you're watching Rudra Shoots. आज हम निकल रहे हैं Zanskar. Finally वो घड़ी आ गई, वो दिन आ गया और आज हम जो है निकल रहे हैं Zanskar के लिए। तो सब कुछ सेट है, सब कुछ रेडी है, वापस से हमने सारे तीन बाइक्स उठा लिए हम लोगों ने मिलके, और एक सफारी जिसमें चार लोग हैं, टोटल हम सात लोग होने वाले हैं इस ट्रिप में। धीरे धीरे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अभी जो है रात के बज रहे हैं करीब 3:30 बजने वाला है, और हम लोग वैसे 2 बजे निकल गए थे बट मैंने ज़्यादा अभी कवर नहीं किया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, और लेट क्यों हुए, थोड़ा सा मतलब एंड टाइम पे तो अब हो गए थे यार, मतलब सामान ज़्यादा था वो हो जाता है। एक नए दिन की खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है, और मस्त एकदम सुबह हो चुकी है, आगे निकल रहे हैं। थोड़ा सा पावर नैप वगैरह ले लिया इसलिए सडनली आपको दिखा होगा कि हम लोग अंधेरे से दिन में आ गए। कुछ लोग हमारे जो है नए भी हैं इस ट्रिप में हमारे साथ, उस वजह से हमने जो है पावर नैप भी ले लिया। तो इस टाइम इतना मज़ा आ रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ, हम ना बहुत अच्छी स्पीड में खींचते हुए जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी टाइम से लेट हो चुके हैं, तो नॉन स्टॉप काफ़ी खींच लेते हैं, उसके बाद ही कोई ब्रेक लेंगे। तो अभी टारगेट ये है कि 8:30 तक, मतलब 2 घंटे और है, उसके बाद कोई ब्रेक लेंगे। मतलब काफ़ी देर हमने अच्छा खींचा, लेकिन अब सडनली जो है मेरे भाई को, बाकी लोगों को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि फ्रेशन अप भी हो जाए, ब्रेकफास्ट कर ही लें, टाइम हो गया, भूख भी लगी रही है, तो अगर पावर नैप किसी को लेना होगा तो ठीक है, नहीं लेना होगा तो फिर आगे बढ़ जाएंगे खा पी के फ्रेश होके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पता है होता है इस टाइम फ्रेश होने का माहौल बन जाता है, और अगर सुबह सुबह फ्रेशन अप हो जाओ भूख फिर आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो हो जाते हैं जहाँ जगह मिलता है वहाँ पे फ्रेशन अप होके फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी ये जो सीन देख रहे हो आप आगे, पूरा हर जगह जाम ही जाम लग रखा है, पता नहीं घरौंडा के पास है ना अभी हम, है ना, घरौंडा के पास है अभी हम, और यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे शायद एक्सीडेंट है। देखो कितना रेड हो रखा है, मैप देखो आप भाई साहब, बहुत देर से हम खड़े हैं, करीब आधा घंटा हो गया आप लोग यहाँ। तो जो है यहाँ से आगे है अभी, तो बता रहा है कि आगे जाम खुल गया है, खुल गया, इतना अच्छा जाम खुल गया है क्या, इतना खुश है। तो मैं सफारी को भी बोल देता हूँ, सर सिर्फ 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर भी है, 4-व्हीलर जा सकता है, अच्छा। और गाइज अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे, हमें समझ भी नहीं आया क्या, मतलब कुछ कोई आइडिया लग रहा है आपको भैया, क्या था, पता नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दूर वहाँ अगर आप देखोगे तो सारी गाड़ियाँ देखो, सिर्फ उतना ही पैच है, उसके बाद ये पूरा देखो हाईवे खाली आगे तक, सिर्फ वहीं तक रोक रखा है, और शायद उधर कोई रोड जा रही है क्या अंदर मेन गाँव की तरफ, कुछ था ऐसा नहीं, क्योंकि देखो एम्बुलेंस भी नीचे मुड़ रही है। फाइनली सफारी भी वहाँ से आ गई और अब हम लोग आगे निकल गए, तो अभी फिर से पैच दिखा रहा है, बीच में जाम है बट आई थिंक वो जाम नीचे लगा हुआ है इस वजह से दिखा रहा है, क्योंकि हम उसके ऊपर से ही निकल रहे हैं जाम के, अगर देखोगे आप फिर भी जाम दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है वो नीचे जाम लगा हुआ होगा सिटी के अंदर, अभी देखते हैं जितना कवर कर सकते हैं, कहाँ रुकना है कैसे रुकना है वो सब आगे जाके पता चलेगा। और पता नहीं कुछ शायद एक्सीडेंट हुआ था पीछे, एक एम्बुलेंस खड़ी तो थी, देख के ऐसा लगा और बोला भी लोगों ने एक एक्सीडेंट हुआ है आगे, एक्चुअल तो पता नहीं हमें, जगह जगह आज जाम लग रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है, इधर भी जाम है और चेकिंग नहीं, वही किसान आंदोलन की वजह से ट्रक चेक हो रहे हैं आई थिंक, और ट्रक की वजह से जाम लग रहा है, देखो ना हर जगह ट्रक है भाई, ये देखो यार इनको देखो, इन्होंने पता नहीं मुझे लग रहा है शायद रास्ता तोड़ ताड़ के ये गाड़ी निकाल रहे हैं, फेंसिंग ही तोड़ दी भाई, मतलब हद है हद यार, ये देखो फेंसिंग तोड़ दी यहाँ से,
अगर गलती से टूट गया नाले का जो ऊपर कवर है, गाड़ी तो अंदर ही रह जाएगी। तो यार फाइनली एक छोटा सा स्टॉप लिया है यहाँ पे और हम आ गए हैं बर्गर किंग। बर्गर किंग हाँ देखा है नहीं बाहर, क्या टेक अवे करा ले। तो बर्गर किंग में आ गए, अभी देखो यहाँ पे कुछ खाते हैं। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश, कैसे शूट कर रहा मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से वाटरप्रूफ बना रखा है मैंने इसको। तो भाई लोग कुछ ऐसा मौसम हो चुका है अभी इस टाइम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लोग अभी तक बिल्कुल मरे जा रहे थे, एकदम टूटे टूटे जा रहे थे, अब वो इतने खुश हैं, एकदम पगलाए पड़े हैं मौसम देख के। अभी तक पहुंच नहीं रहे थे ये सब लोग मनाली, देख रहे हो आप, देख रहे हो। अब ऐसे एकदम चेहरे एकदम खिलखिला उठे हैं, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं स्वर्ग की सीढ़ियों में। शक्ल दिखाना। अभी तक सब स्वर्ग हो गए हैं। जो क्या है क्या डिलीवरी करने गया। चलो 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 चलो, पीछे पिकअप आ गई, गाड़ी आ गई। भैया ले लो जल्दी। ले लो, ये जाने नहीं देंगे। अबे लो 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 जल्दी लो जल्दी लो। यार खतरनाक मौसम हो गया भाई लोग, खतरनाक। और पता है मैं सच बताऊँ, इतना मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का इतनी देर से, कि मैंने अब बारिश में ही माइक लगा लिया। मैंने कहा यार देखा जाएगा, गोप्रो खराब हो जो रिपेयरिंग कर लेंगे यार। अरे ये कैसी गाड़ी है, ये क्या टायर थे यार, पता नहीं कैसे टायर लगवा लेते लोग। अभी वाला रूट देखो यार, जांस्कार, अब ऐसा लग रहा है क्या गलत टाइम पे चूज कर लिया गया हमने। हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, बाइकर्स को नहीं है कुछ, इतना भीग गए कि क्या बताऊं। पहले ये बताओ तुम्हें देखे लग कैसा रहा है भाई साहब? अजीब सा लग रहा है, है? अच्छा नहीं लग रहा है। पहले कभी देखा है ऐसा पहाड़ों में? इस साइड तुम पहली बार आए हो ना, तुम्हारा नसीब अच्छा, तुमने पहली बार में ही देख लिया, वरना इसमें धूप गर्मी सब होता है इस टाइम पे। चलो आगे सफारी आगे। मस्त मौसम है यार, मस्त मौसम है। मतलब जितना मैं दिल्ली से निकलते समय मतलब थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा था कि यार क्या मौसम, मतलब बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश, यहाँ आके उतना ही मज़ा आ रहा है, बहुत सही। भाई साहब ये तो मतलब बहुत ही एडवेंचरस हो रहा है। ये देखो ऐसा लग रहा है बादलों के अंदर है यार हम, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम क्रेजी सा हो गया है मौसम। देखो यार अभी शाम के शायद 6 बज रहे कुछ होंगे, 6 के आसपास बज रहा होगा टाइम। ये तो कभी नहीं देखा यार, ये क्या है, क्या ही नज़ारा है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन मैन। वाह ये देखो, ये देखो, शायद आपको दिख रहा होगा, वाह ओहो, क्या आप लोगों ने ये वाला साइड देखा है कभी? मतलब दिल्ली मनाली वाले हाईवे का ये वाला साइड कभी देखा है? बताना यार मुझे, मतलब दिन में रात हो गई है, दिन तो नहीं शाम है खैर ये, बट ऐसा अंधेरा, ओ यार। तो भाई लोग बहुत बुरा सीन हो चुका है अभी इस टाइम पे। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी हम रुके हुए हैं मंडी से 50 किलोमीटर पहले। तो अपडेट ये है कि अभी पहले हम सोच रहे थे मनाली जाएंगे, मनाली जाके वहाँ पे स्टे कर लेंगे, और हमने जो है मनाली जाने का प्लान स्किप कर दिया क्योंकि अब यहाँ से मतलब 1-2 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो हमने डिसाइड ये किया है कि यहाँ पे ही हम आगे जाके थोड़ा सा देखो कोई रूम वगैरह ले लेंगे आज के लिए, और फिर कल जो है यहाँ से आगे निकल जाएंगे सीधा जोजांस्कार वैली के लिए। टाइम हो रहा है 10:30, अभी भी हम बिलासपुर में हैं। इतनी बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है। तो अब बिलासपुर से हमने फाइनली जो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम यहीं पे कहीं स्टे ले लेंगे आसपास, बट फिर हमें लग रहा है कि जो आगे का दिन है हमारा वो वेस्ट हो जाएगा, हमें बिलासपुर के बाद फिर दोबारा से मनाली में स्टे लेना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो अब हम सोच रहे हैं सब कुछ यहाँ पे खा पी लें, बंदे हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, कि भले 3 बज जाएगा रात का, बट हमारी बात हो चुकी है होटल वाले से जो भैया है वहाँ पे। सो गाइस फाइनली यार मतलब अच्छी खासा मतलब पूरा 24 घंटे से ज़्यादा समय बिताने के बाद हम आ चुके हैं मनाली में। सो दिस इज़ अंकल नोमैड एंड वी आर हैविंग डे 2 ऑफ आर ट्रिप टू जांस्कार। तो अंकल नोमैड में हम खड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि अब यहाँ से देखो पहले तो अभी जस्ट हम पहुँचे, तो 8:30 बजे का टाइम हो रहा है यार, बहुत टाइम लग गया हमें। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, सबसे पहले तो पता नहीं क्यों अपना जो एक्सप्रेस वे है जहाँ मतलब करनाल वाला जो रूट है वहाँ पे बहुत सारे जाम लगे हुए थे जो मैंने आपको कल दिखाया ऑलरेडी, उसके बाद बारिश
हद बारिश, इतनी बारिश मिली है मतलब चार दिन से ऑलरेडी दिल्ली में हो रही है। यहाँ अभी हम आए तो मनाली में बोल रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, रुकती नहीं है। इतनी ज़्यादा बारिश थी इसकी वजह से हम इतने लेट हो गए, तो अब कुछ नहीं कह सकते। फिर हमने रात में ये भी सोचा कि हम बिलासपुर रुक जाएं। बिलासपुर रुकने के लिए फिर हमने क्या किया, वहाँ पर डिनर करने लग गए। अब डिनर के लिए जब वहाँ बैठ गए तो हमने सोचा वहाँ रूम ले लेते हैं, यहीं पर स्टे करेंगे। फिर सडनली हमने बनाया कि नहीं, सिर्फ पावर नैप लेते हैं यहाँ पर और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस चक्कर में एक कंटिन्यूस जर्नी नहीं हो पाई हमारी, अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया। बट अब जो आके अब टोटली मुझे फील हो रहा है कि इट इज़ वर्थ मोर देन 24 आवर्स जर्नी। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, बट देखो अभी फ्रेश मतलब चेंज नहीं किया, बात नहीं लिया, बट ब्रेकफास्ट हमने पहले कर लिया, कॉफ़ी वगैरह लेनी है। तो अभी देखो बाकी हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत कोजी सा और मतलब अच्छा सा मुझे एनवायरनमेंट लगा। ये छोटा सा इन्होंने बना रखा है, क्यूट नाइस। देखो दिस इज़ द एम्बियंस और ये हमारे लोग बैठे हुए। तो कुछ लोगों से मैं आपको अभी मिलवा देता हूँ जो आप लोग नहीं मिल पाए होंगे। सो ही इज़ पुलकित। मुझे 2019 में कभी एक ट्रैक पे मिल गया था और तब से हमारी फ्रेंडशिप है। सेकंड टाइम ये मेरे साथ आया अभी तक बंदा। और ये है गौरव। गौरव को आपने देखा होगा, जो है ये जो जो का फ्रेंड है, बेसिकली फ्रेंड के फ्रेंड, हमारे फ्रेंड। वेलकम भाई। सो बाकी ही इज़ माय ब्रदर शिव। और ये है हमारे क्रोनल भाई, जिनका ये पूरी प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हो, ये इनकी है। तो कभी भी आप यहाँ आओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा प्लेस, इनसे ज़रूर मिलना। और अभी यार एक एक बैड न्यूज़ हो सकती है, वो ये है कि शायद जानस्कार का जो रास्ता है आगे वो बंद होगा। बट अभी देखो एक दो दिनों में यहाँ रुकते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, शायद खुल भी जाए, ये बोल रहे हैं होपफुली चांसेस है, क्योंकि स्पिति और ये जानस्कार वाले रीजन में स्नोफॉल हो गई है। अभी जो है करीब 8 बजे का टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली, और मैं और भाई जो है हम दोनों जा रहे हैं नीचे सामान निकालने, थोड़ा सा एडिटिंग लेनी है। क्या चीज़ दिखाओ, आग बाहर कैसे हो, कैसी घंटी दिखाओ। ओ तो मौका देखते ही बाहर जाने की फिर आपने एकदम हमने बचा लिया। ये ज्यादा क्या है फिर बाहर, इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, हाची। हाची, ओ हाची को भाग जाता है, मौका क्या है, क्यूट है यार ये, इसके साथ टाइम बिता रहे हो ये। इस बेल की बात कर रहे हो, आ गया मैं बाहर, आ जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर बेसिकली, तो ये छोटा सा बड़ा प्यारा सा खूबसूरत रास्ता है। सीढ़ियाँ जो मैं अब दिन में हम लोग आए थे इसी रूट से आए थे, बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो है कि कुछ भी अगर आपको अपने व्हीकल से लेना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये हैं वो सीढ़ियाँ, ओ मुँह से धुआँ आ रहा है। तो गाड़ी जो है हमने यहाँ पे नीचे पार्क कर दी थी और बाइक्स वहीं रहने दी, क्योंकि शायद से जो थोड़े से पत्थर जो थे यहाँ पे ऊपर से थोड़े से लैंडस्लाइड की तरह नीचे गिर रहे थे, तो हमने रिस्क नहीं लिया क्योंकि सफारी पे अगर कुछ गिर जाए तो उसको हमने जो है व्हीकल को उधर नीचे साइड पर वहाँ नीचे वहाँ सफारी लगा दी। तो ये नया वाला टेंट है जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी हमने रख लिया है। ये रहा मैकबुक, बस इसको लेके चलते हैं। एक जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो ये सफारी में लगा हुआ है, जो कि अभी रीड कर रहा है 18.1। तो ये अंदर का टेम्परेचर 18.1, बाहर का रूम में जब मैं हम लोग थे अभी अप्रॉक्सीमेटली जो रूम का टेम्परेचर है वो दिखा रहा था 19 के आसपास। तो गाड़ी थोड़ी बाहर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, रूम हमने गर्म कर रखा है क्योंकि थोड़ा हीटर वगैरह चला रहे हैं। हीटर हमें चलाना पड़ रहा है क्योंकि यार सारे कपड़े हमारे भीग गए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हमने कर रखा है रूम में, क्या हाल बना रखा है। ये मॉइस्चर आ रहा है, देख रहे ये साइड में अंदर। हाँ यार काफ़ी मोशीला कपड़ा वगैरह छूटा हुआ किसी का ना, आई थिंक सॉक्स वॉक्स पड़े हुए नीचे, इधर इधर पड़े हैं सॉक्स किसी के ना, निकाल दे निकलवा दो, ये छोड़ रहे हैं। मतलब कल इतनी बारिश हुई है ना, इतना सारा मॉइस्चर आप देखो यहाँ पे भी हो गया, जिसकी वजह से हमारे जो बैग्स जो ऑलरेडी वाटरप्रूफ कहने के लिए जो वाटरप्रूफ हमारे बैग्स थे उन पे भी सब में सब के अंदर मॉइस्चर और नमी है। तो फिलहाल अभी ऊपर चलता हूँ मैकबुक लेके वापस, नेक्स्ट व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, शायद देखो कल तक लाइव कर देंगे आपके लिए। जो जो आ गया, तो जो जो वापस आ गया सामान लेके काफ़ी सारा, क्या क्या ले आया तुम? एक हेयर ड्रायर ले। ओ यार देखिए मेरा फ़ोन का काम कर लेंगे, फ़ोन में ना थोड़ा पानी चला गया शायद मॉइस्चर। और स्लीपर्स ले अपने। तो वापस आ गए हम अपने रूम, और ये है धीरज जो आते ही सो गया था बंदा, तो हमको नहीं दिखा पाया। और विवेक भाई को तो आप जानते ही हो, कैसे हैं आप लोग। और ये देखो यार यहाँ पे, ये देख रहे हो आप हीटर हमने यहाँ रखे हुए हैं दो, इनसे बाबा इन्होंने बहुत हमें हेल्प करी और ये दे दिया। कितना भी आप कह रहे हो वाटरप्रूफ ये होता है वो होता है, पूरा 100% कुछ भी नहीं होता, थोड़ा बहुत स्प्लैश से आपको बचा लेगा। आज हमें पता चल गया जितने हमारे पास सैडल बैग जो रेटेड थे वाटरप्रूफ हैं ये हैं, उनके ऊपर कवर भी लगा रखा था दो, मतलब आप ये मान लो ऑलमोस्ट 18-20 घंटे तक पानी उस पर गिरता रहा लगातार। तो काफ़ी सारे कपड़े हमारे वुलन्स जो हैं वो आप नीचे देख ही रहे हो, ये सब भीग चुके, तो अभी इनको हम सही कर रहे हैं ताकि कैंपिंग में अगर जाते हैं। हेल्पफुल है जिन्होंने हमें ये सब दिया यार, इन्होंने भैया ने हमें
दे दिया थोड़ा सा गर्म होने के लिए। हाँ भैया बहुत हेल्पफुल है जो यहाँ पे ना उन्होंने हमें ये भी दे दिया, ये भी दे दिया कुणाल भैया, बाकी लोग जो मैंने आपको इवनिंग में दिखाया था कुणाल भैया वगैरह, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो अब इसको हम सब फटाफट से ट्राई करते हैं। मैं बैठता हूँ अपना एडिटर पे, एडिटर कौन है अपना लैपटॉप एडिट, भले ही मैं कुछ नहीं करता हूँ अपना लैपटॉप करता है एडिट, तो एडिटर के साथ बैठते हैं और एडिट करते हैं। मैंने दिन में आपको यहाँ का शॉट दिखाया था, ये बहुत प्यारा सा स्वीट सा इनका एरिया है, यहाँ बैठ के एडिटिंग करते हैं आप लोगों के लिए फटाफट से, और मैं बनाने बैठता हूँ वीडियोज़ वगैरह। तब तक के लिए हमारे कुछ भाई लोग यहाँ बैठे हैं, ये डिस्कशन बहुत बहुत मतलब तगड़ा राजनीतिक डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे तो राजनीति की पूरी बातें हो रही है। तो ये हमारे कृणाल भाई हैं, इज माय ब्रदर, वहाँ बैठे हैं, और ये भाई हमें यहाँ पे मिले हैं, और भैया भी आ गए हमारा खाना पीना सब लेके, थैंक यू सो मच भैया। ये हमारे अक्षय भाई, इन्होंने बड़े प्यार से मतलब खाना पीना खिलाया, एक बार यहाँ देख लो कैमरे की तरफ, हाय बोल दो भैया। वो समझदार है, अब उनको तो मैं कुछ ना बोला, तेरी इज्जत रख ली क्या तूने, मेरी इज्जत रखने के लिए ऐसा बोला बच गया तो बस यार खाना वाना खा लिया और अब हम सोने जा रहे हैं। तो ऐसे आज का जो डे है हमारा इस तरीके से कुछ ख़त्म हो रहा है, तो बस सब लोग सो चुके हैं, मैं अभी बाहर हूँ। तो अब प्यारा लग रहा है पीछे ना, यहाँ पे बैठ के हमने खाना पीना खाया, बहुत ही मस्त। कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उन पर शेयर कर। कल यहाँ से निकलेंगे जिस्पा के लिए, देखो आगे रास्ता तो बंद है लेकिन होप्स नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था जांस्कार वैली की राइड आ रही है, तो हम जाएंगे ज़रूर। शायद देखो जिस्पा पे कैंपिंग हो, तो वो जिस्पा की जो कैंपिंग है हमारी वो मैं आपको दिखाता हूँ। कल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अभी जो है साथ साथ ये वीडियो भी एडिट हो रही है, कल आपके लिए लाइव हो जाएगी। पसंद आए सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय। About me one more time before you go.